और डॉक्टर और तो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल अब दर्द भी खुद ने टेकेगा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो न्यूज नाइट और आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। और जैसा कि हम जानते हैं कि देश में लोकतंत्र के महापर्व का आखिरी पड़ाव आ चुका है और अब कल मतदाता सातवें चरण के लिए 57 सीटों के लिए मतदान करेंगे और उसके बाद प्रचार को तो लगाम लग ही चुकी है, लेकिन उसके बाद इंतजार होगा नतीजों का। लेकिन उससे पहले आज के दिन की बात करें तो आज के दिन एक बड़ी खबर, जो अच्छी खबर कही जा सकती है, सुखद खबर कही जा सकती है, वो अर्थव्यवस्था के मोर्चे से आई है, क्योंकि 2023-24 के लिए विकास दर 8% को पार कर गई है और ये आंकड़े आज NSO ने भी सामने रखे हैं। लेकिन साथ ही अर्थव्यवस्था के तमाम अन्य पहलुओं को लेकर भी जो सकारात्मक तस्वीर सामने आ रही है, आज करेंगे उस पर चर्चा। होगा मौसम का हाल भी, लेकिन शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के सातवें और अंतिम चरण के लिए शनिवार को डाले जाएंगे वोट। मतदान की सभी तैयारियां पूरी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर होगी वोटिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े नेताओं की किस्मत का अंतिम चरण में होगा फैसला। पीएम मोदी वाराणसी से तीसरी बार मैदान में, अनुराग सिंह ठाकुर, रविशंकर प्रसाद, मनीष तिवारी और अभिषेक बैनर्जी भी चुनावी रण में ठोक रहे हैं ताल। भारत एक बार फिर से दुनिया की सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था वाला देश बना। 2023-24 में विकास दर रही 8.2%, चौथी तमाही में 7.8% रहा GDP ग्रोथ रेट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, मोदी सरकार की नीतियों से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने पकड़ी तेज रफ्तार। प्रचंड गर्मी के बीच राजधानी दिल्ली में पानी की भारी किल्लत, टैंकरों को देखते ही टूट पड़ रहे हैं लोग। दिल्ली सरकार ने हरियाणा पर पूरा पानी नहीं छोड़ने का लगाया आरोप। LG ने केजरीवाल सरकार की नीतियों को बताया जिम्मेदार। भाजपा ने जल संकट को कुप्रबंधन का बताया नतीजा। देश के अधिकतर हिस्से खौलती गर्मी से बेहाल, कई लोगों को लील गई बेरहम गर्मी। बिहार में 65 जबकि ओडिशा में 12 लोगों की मौत, यूपी के मिर्जापुर में 13 की मौत। वहीं केरल में बारिश ने बढ़ाई मुसीबत, 14 जिलों में अलर्ट, मणिपुर में बाढ़ का कहर। यौन शोषण के आरोपी सांसद प्रज्वल रेवन्ना को अदालत ने 6 दिन की SIT हिरासत में भेजा। जर्मनी से वापस लौटते ही बेंगलुरु एयरपोर्ट से किया गया गिरफ्तार। घटना सामने आते ही विदेश भाग गया था रेवन्ना। स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले में विभव कुमार को अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास में महिला सांसद पर हमले का आरोप। और अंत में खेलों से अच्छी खबर। भारतीय मुक्केबाज निशांत देव ने पेरिस ओलंपिक्स में बनाई जगह। पुरुष वर्ग में भारत की ओर से पेरिस ओलंपिक्स के कोटा हासिल करने वाले बने पहले मुक्केबाज। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। शुरुआत करते हैं चुनाव की ही खबर से, क्योंकि लोकसभा चुनाव के सातवें और आखिरी चरण की 57 सीटों पर अब कल यानी शनिवार को वोट डाले जाएंगे। सातवें चरण के लिए प्रचार में सभी दलों के दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी और अब मतदाताओं को 1 जून यानी कल का इंतजार है, जब वो इस आखिरी चरण में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। लोकसभा चुनाव के सातवें चरण की 57 सीटों के लिए कैसी है मतदान की तैयारियां, आइए देखते हैं आपको ये खास रिपोर्ट।
लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण की 57 सीटों पर 1 जून को होने वाले मतदान की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पोलिंग पार्टियों का लोकतंत्र के उत्सव में पूरे उत्साह के साथ अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंचने का सिलसिला जारी है। सातवें चरण में 10,06,00,000 से ज्यादा मतदाताओं के लिए 1,09,000 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान के लिए चुनाव आयोग ने पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। साथ ही सुचारू मतदान के लिए हर जिले में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। चुनाव आयोग ने खास तौर पर मतदान केंद्रों पर भीषण गर्मी से निपटने के लिए सभी तरह के इंतजाम भी किए हैं। सातवें चरण के अंतर्गत उत्तर प्रदेश और पंजाब में सबसे ज्यादा 13-13 सीटों पर मतदान होना है, जिसके लिए पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों पर पहुंच चुकी हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों पर भी शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। हमारी पोलिंग पार्टीज लगभग सभी डिस्पैच हो गई हैं। सुरक्षा के भी सभी इंतजाम कर लिए गए हैं। सफिशिएंट सिक्योरिटी फोर्सेस हमारे पास अवेलेबल हैं और आ गई हैं। इसके अलावा पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी मतदान की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। हर मतदान केंद्र पर आपको शेड की व्यवस्था है, पेयजल की व्यवस्था है। इस बार लगभग 250 से ज्यादा बूथ को हमने मॉडल बूथ बनाए हैं। भीषण गर्मी के मद्देनजर इसी चरण में बिहार की 8 लोकसभा सीटों पर होने वाले मतदान के लिए सभी तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की 9 सीटों के चुनाव के लिए भी मतदान कर्मी ईवीएम मशीनों के साथ मतदान केंद्रों पर पहुंच चुके हैं। चुनाव आयोग ने स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। हम लोग मतदान के लिए होपफुल हैं कि हम लोगों ने मतदाताओं से भी अपील की है। कल हम लोगों ने और मैंने स्वयं फेसबुक लाइव के माध्यम से भी मतदाताओं से ये अपील की थी कि आप लोग बढ़ चढ़कर मतदान करें। सातवें चरण में ओडिशा की 6 सीटों पर भी मतदान की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ऐसे में निर्वाचन आयोग मतदान केंद्रों तक आने वाले हर मतदाता का ध्यान रखने की कोशिशों में जुटा है। जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर एंड पीसफुली मतदान के बात है तो सब कुछ अरेंजमेंट किया गया है। And so far to maintain the law and order, we have 12 companies of police force, basically from CAPF. वहीं सातवें चरण में झारखंड की 3 सीटों और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की 1 सीट पर भी शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि सातवें चरण में हर मतदाता इस लोकतंत्र के उत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा और लोकतंत्र को मजबूत करेगा। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार तो समाप्त हो चुका है और इस पूरे चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिकॉर्ड तोड़ चुनाव प्रचार देखने को मिला। प्रधानमंत्री मोदी ने देश में चुनाव के ऐलान के बाद के करीब 2 महीने के दौरान 206 रैलियां की और इस दौरान प्रधानमंत्री ने तमाम मीडिया संस्थाओं को 80 इंटरव्यू भी दिए। इस बार प्रचार में पीएम मोदी ने अपना 2019 का ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व अब अपने अंतिम पड़ाव पर आ पहुंचा है। लोकसभा चुनाव के सातवें और आखिरी चरण के लिए विभिन्न दलों के नेता जोर आजमाइश करते नजर आए। खास तौर पर इस चरण के लिए दिग्गज नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप के साथ साथ ढेरों वादों का दौर भी चलता दिखाई दिया। अब बात करें इस चरण की तो प्रचार के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच अनेकों मामले और मुद्दे छाए रहे, जिनमें राम मंदिर, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, संविधान में बदलाव, आरक्षण में बदलाव, अनुच्छेद 370, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, विकसित भारत और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे कई मुद्दों पर बयानों के तीर चलते नजर आए। अब सातवें और अंतिम चरण पर नजर डालें तो इस चरण की 57 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें से 41 सामान्य, 13 अनुसूचित जाति और 3 अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित है। वहीं इस चरण में 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में मतदान होना है, जिसके लिए 904 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिसमें 809 पुरुष उम्मीदवार और 95 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। इस बीच 1 जून को जिन 57 सीटों पर मतदान होना है उनमें उत्तर प्रदेश की 13, पंजाब की 13, पश्चिम बंगाल की 9, बिहार की 8,
उड़ीसा की 6, हिमाचल प्रदेश की 4, झारखंड की 3 सीटों के अलावा चंडीगढ़ की एकमात्र संसदीय सीट पर चुनाव करवाए जाएंगे। दूसरी तरफ नजर डालें तो 7वें चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के दिग्गज नेता चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। इस चरण के चुनाव में भाजपा समेत एनडीए के दिग्गज उम्मीदवारों की बात की जाए तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आता है, जो कि लगातार तीसरी बार वाराणसी संसदीय क्षेत्र से दावेदारी पेश कर रहे हैं। इसके अलावा हमीरपुर से केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद, पाटलिपुत्र से रामकृपाल यादव, मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल, आरा से आर के सिंह, चंदौली से डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, पटियाला से परनीत कौर, गोरखपुर से रवि किशन, काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा, बालासोर से प्रताप चंद्र सारंगी, गौडा से निशिकांत दुबे, मंडी लोकसभा सीट से कंगना रणौत और अमृतसर से तरणजीत सिंह संधू चुनावी मैदान में है। जबकि इस चरण में विपक्षी दिग्गजों की बात की जाए तो जालंधर से चरणजीत सिंह चन्नी, लुधियाना से अमरिंदर सिंह राजा, बठिंडा से हरसिमरत कौर बादल, चंडीगढ़ से मनीष तिवारी, डायमंड हार्बर से अभिषेक बैनर्जी, दमदम से सौगत राय, कोलकाता उत्तर से सुदीप बंदोपाध्याय, गाजीपुर से अफजल अंसारी और काराकाट से पवन सिंह दावेदारी पेश कर रहे हैं। अगर बात की जाए 2019 के चुनावी नतीजों की तो 7वें चरण की इन 57 सीटों पर भाजपा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 25 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि टीएमसी को 9 सीट, कांग्रेस को 8, बीजेपी को 4, जेडीयू को 3 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं बसपा को 2, शिरोमणि अकाली दल को 2, अपना दल सोनेलाल को 2, झारखंड मुक्ति मोर्चा को 1 और आम आदमी पार्टी को 1 सीट पर जीत मिली थी। 7वें और अंतिम चरण की 57 सीटों पर 1 जून को मतदान के साथ ही देश में आम चुनाव संपन्न हो जाएगा। बहरहाल आम चुनाव के पहले 6 चरणों की बात की जाए तो लगभग 65.54 मतदान प्रतिशत दर्ज किया गया है, जहां छठे चरण में 63.37% मतदान दर्ज किया गया तो वहीं 5वें चरण में 62% वोटिंग हुई। इसके अलावा चौथे चरण में 69.16% मतदान हुआ, जबकि तीसरे चरण में मतदान 65.69% रहा। दूसरे चरण में 66.71% मतदान दर्ज किया गया, जबकि पहले चरण में 66.14% वोटिंग हुई थी। बहरहाल प्रचार अभियान में सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि किसके सिर जीत का सेहरा बंधेगा, यह 4 जून को मतगणना के बाद ही पता चलेगा। तो 7वें चरण का मतदान जो कल होना है, जिसके लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और कितने ही दिग्गज नेता इस चरण में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, और ये रिपोर्ट हमने आपके सामने प्रस्तुत की। फिलहाल यहां रुकेंगे ब्रेक ले, लेकिन ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और बात करेंगे देश की तेज रफ्तार से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था की। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद! असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है, देखिए चुटकी में पेमेंट चुकाइए। बटवा ढूंढ रहे हैं? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया है। आपने? RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला, क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। और ब्रेक के बाद बात देश की अर्थव्यवस्था की। देश के आर्थिक विकास दर ने रफ्तार पकड़ ली है। जनवरी से मार्च की तिमाही में GDP ग्रोथ के आंकड़े सभी अनुमानों से बेहतर रहे हैं। साल 2023-24 में भारत की विकास दर 8.2% रही है। साल 2022-23 में भारत की GDP दर में 7% की बढ़त दर्ज की गई थी।
लेकिन साल 2023-24 की चौथी तिमाही की बात करें तो ये विकास दर 7.8% रही, लेकिन 2023-24 में बात करें तो ये 8.2 रही है। दरअसल अगर हम पहली तिमाही की बात करें तो इसमें 8.1, दूसरी तिमाही में 8.2, तीसरी तिमाही में 8.6 और चौथी तिमाही में 7.8 की विकास दर रही। पिछले साल की तुलना करें तो 8 बुनियादी उद्योगों का सूचकांक भी 6.2% बढ़ा है। बिजली, प्राकृतिक गैस, कोयला, इस्पात और इन उद्योगों के साथ साथ रिफाइनरी उत्पाद, कच्चा तेल, सीमेंट के उत्पादन में भी सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई और इसी का कारण है कि जीडीपी 8.2% तक पिछले साल यानी साल 2023-24 में रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जीडीपी ग्रोथ के आंकड़ों में हुई वृद्धि की सराहना की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, 2023-24 के लिए चौथी तिमाही के जीडीपी वृद्धि के आंकड़े हमारी अर्थव्यवस्था में मजबूत गति को दर्शाते हैं जो आगे और भी तेज होने वाली है। हमारे देश के मेहनती लोगों की बदौलत वर्ष 2023-24 के लिए 8.2% की वृद्धि इस बात का उदाहरण है कि भारत वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। जैसा कि मैंने कहा, यह आने वाले समय का सिर्फ एक ट्रेलर है। और 2023-24 के लिए वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद के प्रोविजनल अनुमान और 2023-24 की चौथी तिमाही के लिए सकल घरेलू उत्पाद के भी त्रैमासिक अनुमान पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि आज का जीडीपी डेटा वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 8.2% और वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही के लिए 7.8% की वृद्धि दर के साथ मजबूत आर्थिक विकास को दर्शाता है। ये उल्लेखनीय जीडीपी वृद्धि दर दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। ये ध्यान देने योग्य है कि विनिर्माण क्षेत्र में 2023-24 में 9.9% की महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई जो इस क्षेत्र के लिए मोदी सरकार के प्रयासों की सफलता को दर्शाता है। वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था लचीली और उत्साहजनक बनी हुई है। प्रधानमंत्री के तीसरे कार्यकाल में भी उनके नेतृत्व वाली सरकार में भारत की विकास गति जारी रहेगी। तो जीडीपी के आंकड़े बहुत प्रेरणादायक हैं और ये बात मुख्य अर्थशास्त्री डॉक्टर एसपी शर्मा ने कही है। उन्होंने ये भी कहा कि इतनी सारी चुनौतियों के बावजूद 8.2% बहुत उत्साहजनक है। अभी ग्रोथ रेट आया जो 8.2% है ओवरऑल 2023-24 के लिए, तो बड़ा अच्छा नंबर है। अगर हम देखें तो जितने भी विकसित कंट्रीज़ हैं, जितने भी अर्धविकसित कंट्रीज़ हैं, उनमें जो मेजर इकोनॉमीज़ हैं सबसे ज़्यादा हम अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। और पोस्ट कोविड पीरियड में जो हमारी ग्रोथ आई है, पहले हम 9.1 पे ग्रो किए, उसके बाद हम 7.2 पे ग्रो किए और अभी हम 8.2 पे ग्रो किए, तो जो इंक्रीमेंट है हमारी ग्रोथ में वो बहुत ही रोबस्ट है। और जिससे पता चलता है कि जो हमारी रिफॉर्म्स थी, जो हमने रिफॉर्म्स कोविड के दौरान किए या फिर कोविड के बाद में किए, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहे। और देश की अर्थव्यवस्था की बात करें तो वित्त मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है, जो आंकड़े मिल रहे हैं, वो बहुत बेहतर संकेत देते नजर आ रहे हैं, जिन्हें हम आपके सामने भी रखना चाहेंगे, क्योंकि इन आंकड़ों में यही बात दोबारा कही गई है कि भारत की विकास दर 8.2% रही है। ये वर्ष 2023-24 की बात हो रही है और ये आंकड़े किसी भी G7 या G20 समूह के देशों से अधिक हैं। जनवरी से मार्च तिमाही की बात की गई है कि ग्रामीण मांग शहरी मांग से अधिक रही है। सकल राजकोषीय घाटे की भी आंकड़े रखे गए हैं, ये 5.6% दर्ज की गई है, तो वहीं राजस्व घाटा 2.6% तक रहा। लेकिन महत्वपूर्ण बात कि जनवरी से मार्च की तिमाही में ग्रामीण मांग बढ़ी है
और राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटे के भी आंकड़े सही लग रहे हैं। और ऐसे में 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटा 5.1 आंका गया है। निजी क्षेत्र का निवेश भी बढ़ रहा है, सेवा क्षेत्र का भी विस्तार हुआ है और विनिर्माण क्षेत्र में भी, जैसा हमने पहले भी बताया कि 9.9% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो बेहद उत्साहजनक है। लेकिन साथ ही साथ मानसून को भी, क्योंकि इस बार सामान्य से बेहतर मानसून की उम्मीद जताई जा रही है, तो इसीलिए ये भी उम्मीद की जा रही है कि बेहतर मानसून से कृषि विकास में भी बढ़ोतरी होगी। तो ये कुछ बड़े बिंदु अर्थव्यवस्था को लेकर जो वित्त मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से सामने आए हैं। लेकिन वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को जबकि पूरे विश्व से सराहना मिल रही है, तो ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय संस्था, खासतौर पर रेटिंग संस्थाओं की यहाँ पर बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग संस्थाएँ भी बेहतर रेटिंग्स देती नजर आ रही हैं। और ऐसे में S&P की बात करें तो S&P ने कुछ आंकड़े सामने रखे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि S&P ने अभी हाल ही में 2 दिन पहले ही देश के जो बैंक्स थे, 6 ऐसे बैंक हैं जिनकी रेटिंग को सकारात्मक कर दिया है। लेकिन साथ ही हम ये भी जानते हैं कि S&P ने देश की भी जो ओवरऑल रेटिंग है उसको भी स्थिर से सकारात्मक किया है। और ये बैंकिंग क्षेत्र में जो हमारी मजबूती है उसको भी दिखाता है। और इसी को लेकर वित्त मंत्री ने भी आज पोस्ट एक्स पर कुछ महत्वपूर्ण बातों को पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने इन बातों को सामने रखा कि कैसे हमारा बैंकिंग क्षेत्र मजबूत होता नजर आ रहा है, जिन्हें आपके सामने हम रखना चाहेंगे, जिसमें उन्होंने कहा है कि किस तरीके से हमारा बैंकिंग सेक्टर के लिए सरकार ने बेहतर काम किया है, क्योंकि बैंकों के कामकाज में पारदर्शिता को बढ़ावा दिया जा रहा है, फंसे हुए कर्ज की समस्या को सुलझाने पर फोकस किया जा रहा है और इसको फोकस किया जाने से ही बेहतर परिणाम सामने आए हैं। और परिणाम इस तरीके से कि जहां 2017-18 में 15% तक NPA पहुंचा हुआ था, यानी फंसा हुआ कर्ज, वही वो मार्च 2024 तक 1% से भी कम रह गया। तो आप देखिए आंकड़ों में कहा जा रहा है 0.76% तक पहुंच गया, क्योंकि बैंकों में पारदर्शिता सुधारों के कई बड़े कानूनी बदलाव लाए गए हैं जिनका परिणाम इस तरीके से सामने आया है। और ये भी परिणाम दिखाता है कि 2023-24 की ही बात करें तो जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं उनका मुनाफा 1.4 लाख करोड़ रुपए पार कर गया है। लेकिन हाल ही के आंकड़ों की बात करें तो भारत के बैंकिंग सेक्टर ने 3 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है, जो सरकार की नीतियों का एक असर नजर आ सकता है। लेकिन साथ ही केंद्र सरकार का ये प्रयास रहा है कि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, जिसमें हम बात कर सकते हैं जनधन योजना, मुद्रा, स्वनिधि, स्टैंडअप, इस तरीके की योजनाओं से देश की जनता को बैंकिंग सेवाओं के दायरे में लाया जाए और क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम के माध्यम से जनता तक ऋण भी पहुंचाए जाए, ऋण वितरित किए जाए ताकि लोग अपना रोजगार आगे बढ़ा सके। तो ये कुछ बड़े बिंदु जो हमारे सामने आपके सामने रखे, जिन्हें आज वित्त मंत्री ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रखा। और जिस तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, जिस तरीके से आंकड़े इस बात की तस्दीक कर रहे हैं, इसी से जुड़ा है हमारा आज का विशेष, जो कहता है मोदीनॉमिक्स का कमाल, GDP 8% के पार। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं शुभमय भट्टाचार्य जी, जो आर्थिक मामलों के वरिष्ठ पत्रकार हैं। शुभमय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले यही बात, 8.2%, मतलब ये शायद उम्मीद नहीं की जा रही थी कि हम 8% को भी पार कर सकते हैं, लेकिन हमने कर दिखाया। लेकिन आंकड़ों से हटकर आम जन को समझना चाहें तो इन आंकड़ों के क्या मायने हैं, 8.2% की वृद्धि दर? सकल घरेलू उत्पाद की हम जब बात करते हैं, वो एक कोई नंबर नहीं है, उससे पता चलता है कि अर्थव्यवस्था की कितनी जोर पकड़ी है या कितनी कमी। तो ये टेम्परेचर चेक होता है, जैसे किसी मरीज का आप जब चेक करते हैं तो आपको पता चलता है कि वो स्वस्थ है या अस्वस्थ है, उसके लिए एक टेम्परेचर रीडिंग होता है। उसी तरह से GDP एक टेम्परेचर रीडिंग है अर्थव्यवस्था का, और इसीलिए इसका नापना, इसका जो डेटा होता है वो बहुत अहमियत रखता है। तो अभी हम जो GDP के जो डेटा देख रहे हैं उसमें है कि 2023-24 की जो पूरे साल का जो डेटा है, जिसका हमने जिक्र किया, 8.2% रियल GDP ग्रोथ रेट, यानी कि हम मुद्रास्फीति को अलग करके सिर्फ GDP में, ठोस GDP में कितना फर्क आया है, कितनी ग्रोथ हुआ है, वो 8.2%। और अगर हम सिर्फ लास्ट क्वार्टर इसमें उसका अगर हम देखें तो वो काफी ज्यादा आश्चर्यजनक है, क्योंकि उसमें 7.8% का ग्रोथ दर्ज किया गया जी। लास्ट क्वार्टर का ग्रोथ इसलिए अहमियत रखता है क्योंकि इस क्वार्टर में मोटा मोटी एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 7 के आसपास में ही ग्रोथ रेट होगा, लेकिन सरप्राइज करते हुए
ये डेटा आया है 7.8%, यानी कि एक्सपेक्टेशन से कहीं कहीं ज्यादा हमें ग्रोथ देखने को मिला। जी, उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर आंकड़े तो ये दिख रहे हैं, लेकिन शुभमय जी बात वही आ जाती है कि आखिर इसके पीछे बड़ा कारण क्या है, क्योंकि जब आज वित्त मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु सामने आए तो उसमें एक बड़ी बात, क्योंकि वो चिंता की बात मानी जाती रही है, वो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था, वहां पर मांग बढ़ना, क्या वो एक बड़ा कारण इसके पीछे का हो सकता है? साथ में आप देखेंगे कि कल जिसका आप जिक्र कर रहे थे स्टैंडर्ड एंड पुअर S&P का जो रेटिंग था, उसमें उन्होंने बताया है कि वो जो भारत के रेटिंग्स थे जो पॉजिटिव सकारात्मक पोजीशन पे उन्होंने एस्टैब्लिश किया है, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि भारत में कंजम्पशन, यानी कि लोगों को खरीदारी करने में जो कैपेसिटी है उसमें बढ़ोतरी हो रही है। और वो आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि GDP इस लेवल पे जब बढ़ता है तो निश्चित ही वो फैल जाता है उसका इफेक्ट, यानी कि काफी सारे क्षेत्र से जब अच्छे रिपोर्ट्स आते हैं तभी जाके वो GDP आगे बढ़ता है। अगर आप इस बारी का GDP का अगर आप डिटेल्स में देखें तो हम जब सेक्टर वाइज ग्रोथ रेट देखते हैं इस बारी का, तो हम देख रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर ने काफी ज्यादा पिछले बारी की तुलना में, इस बारी 7.4% था, वो 8.7% है। और कंस्ट्रक्शन एक ऐसा सेक्टर है जिसमें रोजगार के बहुत बड़े प्रबंधन होते हैं। साथ में अगर आप माइनिंग एंड क्वेरी या इन तरह के सेक्टर्स को देखें तो उसमें काफी ज्यादा इजाफा हो जाता है। ये सारे सेक्टर्स वो हैं जो इकोनॉमी को जोर पहुंचाता है। एक बहुत बड़ा सरप्राइजिंग ग्रोथ रेट आया है मैन्युफैक्चरिंग। हम मानते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भारत में वीक है, क्योंकि इसमें ग्रोथ रेट ज्यादा दर्ज नहीं किया जा रहा था, लेकिन इस बारी वो पिछले साल जब मैं 2022-23 की बात कर रहा हूँ, जब 0.9% था उससे वो उठकर 8.9% 0.9 से उठकर 8.9% ग्रोथ रेट रियल ग्रॉस वैल्यू एडेड इकोनॉमी में हुआ है। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक ऐसा चीज है जिसमें बहुत सारे फिर से एम्प्लॉयमेंट के केंद्र बिंदु बन जाते हैं। और इसीलिए आप देख सकते हैं कि इस बारी का जो डेटा है उससे एक जिसे कहते हैं काफी फैला हुआ एक 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 दायरा में एक का छवि आया है। शोमय जी, ये जो आपने बात कही महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग का हब हम भारत अगर बनता है तो फिर हम वो जो सप्लाई चेन्स की बात की जाती है और विश्व में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बनाने की बात की जाती है, वो एक तस्वीर में हम कहीं ठोस जगह पाते भी नजर आते हैं। लेकिन ये जो आंकड़े दिखाए गए हैं, मैन्युफैक्चरिंग बहुत बेहतर आंकड़ों के रूप में सामने आई है, क्या ये आंकड़े जमीनी बदलाव की ओर भी संकेत करते नजर आ सकते हैं? क्योंकि चुनाव का माहौल है और चुनावी मौसम में तमाम मुद्दों को उठाया जा रहा है, ऐसे में ये आंकड़े कहां तक विपक्ष के द्वारा लगाए गए आरोपों को भी नकारते दिखते हैं? इससे तो आप अगर सिर्फ इस आंकड़े के साथ साथ कुछ और चीज अगर देखें तो उसमें छवि जरा स्पष्ट होता है। जैसे एम्प्लॉयमेंट की जो फिगर्स है, हम मोरलेस देख रहे हैं कि इस बार लेटेस्ट वाले जो डेटा आए हैं उसमें दिख रहा है कि 24 साल से ऊपर के सारे जो एज ग्रुप्स हैं, सारे एज ग्रुप्स में अनएम्प्लॉयमेंट का यानी कि बेकारी का जो इफेक्ट है वो काफी कम हुआ है। और वो इसलिए कम हुआ है क्योंकि यही जो मैं बता रहा था कि डेटा बता रहा है कि बहुत सारे क्षेत्रों में प्रोडक्शन का दौर आगे निकल जोर पकड़ लिया है और इसी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट का रेट कम हुआ है। तो यानी कि जो GDP के बढ़ने से जो आपका जो मूल सवाल था कि उससे देश में क्या, उसमें लोगों को क्या फायदा होता है, इससे फायदा ये होता है कि लोगों के जिंदगी में एम्प्लॉयमेंट की जो जरूरत है, कंजम्पशन की जो जरूरत है, लोगों को कामकाज के साथ अपने सेविंग्स, बहुत सारे सारे चीजें जो बिंदु आते हैं उन सबों में एक सकारात्मक बदलाव। शुभमोय जी, ऐसे में एक और सवाल, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर को लेकर वित्त मंत्री ने जो महत्वपूर्ण बिंदुओं को सामने रखा उसमें NPA एक बहुत बड़ा फैक्टर दिख रहा है, हमारे बैंकिंग सेक्टर की सेहत बहुत अच्छी है उसको भी संकेत इसमें मिलता है, ये भी कितना महत्वपूर्ण है देश की अर्थव्यवस्था के लिए, क्योंकि जब हम इंटरनेशनल बोरिंग्स की बात करते हैं, जब हम निवेश की बात करते हैं, निवेशकों को आकर्षित करने की बात करते हैं, तो बैंकिंग सेक्टर एक महत्वपूर्ण कारक रहता है। जी ममता जी, बैंकिंग सेक्टर, और साथ में एक और चीज की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, आज ही जो डेटा निकला है उसमें भारत में कितना पावर यानी कि कितनी बिजली उत्पादन हुई है पिछले 2 दिन में, वो एक
काफी चौंका देने वाला डेटा है। बिजली उत्पादन इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि हर किसी भी जगह पे बिजली का खपत बेसिक चीज है अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए आज के दिनों में। और इस वक्त कल 30 यानी आज 30 तारीख को कल बिजली 250 गीगावाट भारत में प्रोडक्शन हुआ। ये पिछले साल मैक्सिमम प्रोडक्शन हुआ था इस गर्मियों के मैक्सिमम टाइम में करीब 222-223 के करीब था। जी। से 25 गीगावाट एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होना दो चीज बताता है कि एक सिर्फ गर्मी के लहर की वजह से नहीं इंडस्ट्री वगैरह हर चीजों में एक्स्ट्रा जो आप फील कर सकते हैं कि कंजम्पशन यानी हमारे पास क्षमता है कि जरूरत पड़े तो हम उस स्तर का भी उत्पादन कर सकते हैं। लेकिन बहुत संक्षेप में वक्त थोड़ा कम है संक्षेप में बैंकिंग सेक्टर पर आपका कमेंट। बैंकिंग सेक्टर में पिछले कई सालों से बहुत महत्वपूर्ण सुधार हुआ है और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर में लगातार एनपीए कम होता हुआ सच में बहुत कम हो गया है और ये एक जिसे कहते हैं मूलभूत रिफॉर्म हुआ है भारतीय क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में जिसका हमें फायदा मिलना शुरू हुआ है और इसका फायदा आगे जाकर भी हमें बहुत मिलेगा। और बैंकिंग सेक्टर से चूंकि हर वर्ग का व्यक्ति जुड़ रहा है इसलिए ये उम्मीद की जा सकती है कि बैंकिंग सेक्टर के मजबूत होने से उन सब वर्गों को भी जरूर उससे फायदा होगा। फिलहाल वक्त इतना ही है बहुत बहुत शुक्रिया शुभम मोहित जी इन तमाम बातों पर अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। और फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए ब्रेक के बाद बात करेंगे मौसम की तो जुड़े रहिए हमारे साथ देखते रहे न्यूज नाइट। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग शुद्धता का असली तड़का। MDH क्यूरियोसिटी कैन टेक यू टू सम आउट ऑफ द वर्ल्ड प्लेसेस टुक मी टू द मून टुडे क्यूरियस अबाउट दिस प्लेस स्कैन दिस QR कोड बिफोर आई टेक इट ऑफ विद माई Seat टायर्स। Crafted for the curious. Bahana number 11. Neend puri karne ka day. Bahana number 28. Trip par jane ka day. 39. Binge watch all seasons. 65. Ghar ki safai ka day. Ek vote na dalne se kya hoga? Aur sabse bada bahana. Isn't it a holiday today? Holiday? 101 बहाने हैं वोट ना डालने के पर इस चुनाव के पर्व में एक ही रीजन काफी है वोट डालने का वो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देश और हमारे फ्यूचर के लिए। तो चलो सब मिलकर मनाते हैं इस चुनाव के पर्व को गर्व के साथ। स्वाद से सबको दीवाना कर दे दीवाना कर दे पता का चाय गजब का स्वाद। मैके जी सब जानते हैं जहां देखे मारियो अपना समझ के खा लियो। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला स्टर करो पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला और उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से एक दुखद खबर है जहां हीट स्ट्रोक से चुनाव की ड्यूटी में तैनात 13 कर्मचारियों की मौत हो गई। मरने वालों में 7 होमगार्ड 3 सफाईकर्मी CMO ऑफिस के 2 कर्मचारी और 1 चकबंदी अधिकारी शामिल हैं। दरअसल इन कर्मचारियों की ड्यूटी शनिवार को होने वाले 7वें चरण के मतदान के लिए लगाई गई थी। जिला मुख्यालय से मतदान केंद्र के लिए जाते समय इनकी तबीयत बिगड़ने लगी। उसके बाद कर्मचारियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया जहाँ इलाज के दौरान इन्होंने दम तोड़ दिया। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं मिर्जापुर की जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन। प्रियंका जी बहुत ही दुखद है ये लेकिन 13 कर्मचारियों की मौत हो जाना एक ही दिन में वो भी गर्मी के कारण क्या जिला प्रशासन इसको लेकर कुछ एहतियात बरतता है कि जो चुनाव कर्मी वहां पहुंच रहे हैं उनको कुछ आधारभूत सुविधा दी जाए गर्मी से बचाव को लेकर? जी नमस्कार मिर्जापुर जनपद में आज पार्टी रवानगी की प्रक्रिया के दौरान
समस्त व्यवस्थाएं की गई थी, जिसमें उनकी हीट वेव से बचने के लिए कूलर की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, अन्य सभी व्यवस्थाएं की गई थी। लेकिन तापमान चूंकि ज्यादा है, इसके साथ ही जो हमारे कर्मचारी थे उनकी कुछ अन्य भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं थी, जिनके कारण हमारे 6 होमगार्ड जवान और 3 मतदान कार्मिक को उनकी दुखद मृत्यु हुई है। इस संबंध में उनके पारिवारिक जनों को सूचित कर दिया गया है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया भी की जा रही है और जो भी आवश्यक राहत की कार्रवाई है वो भी यथाशीघ्र पूरी की जाएगी। जी, ऐसे में चूंकि हम जानते हैं कि कल मतदान होना है और मतदाता बाहर निकलें और वोट करें, ये बहुत जरूरी है, तो क्या आश्वासन दे सकते हैं इंतजाम को लेकर? इसमें हमने प्रत्येक बूथ पर शेड की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, आवश्यक कूलर की व्यवस्था और हमारे मतदान कर्मियों के लिए ORS की व्यवस्था भी सुनिश्चित की है। इसके साथ ही लगातार हम लोग अपने मतदान कार्मिकों को अवगत करा रहे हैं कि आप लोग जो है वो पानी को लगातार पीते रहें, हाइड्रेटेड रखें अपने आप को, और यदि गर्मी ज्यादा लगती है तो गीला कपड़ा से अपने आप को ढक के भी रखें, ताकि किसी प्रकार की गर्मी से आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं हो। जो डूज एंड डोंट्स की लिस्ट है, हीट वेव से बचने की हमारी राहत कार्यालय की एडवाइजरी है, वो भी लगातार प्रचारित प्रसारित की जा रही है। तो ये उम्मीद कर सकते हैं कि मिर्जापुर का जिला प्रशासन इतनी एहतियात बरत रहा है कि मतदाताओं को ये आश्वासन मिल सके कि वो घर से बाहर निकले। जी बिल्कुल, हम लोगों ने पूरी प्रयास किया है और पूरे हमारे जो प्रशासन और पुलिस की टीम है वो पूरी व्यवस्थाएं कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका जी हमारे साथ ये सारी जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थे मिर्जापुर के जिलाधिकारी। लेकिन चूंकि मौसम बहुत भीषण गर्मी है इस वक्त और ये मौसम की मार से हर कोई जूझ रहा है, ऐसे में अगर आपको अपने मताधिकार का भी प्रयोग करना है और बाहर निकलना है तो एहतियात के साथ निकलें, अपना ख्याल रखें। लेकिन इसी गर्मी की बात को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि देखें तो देश में इस बार गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इतनी तगड़ी हीट वेव है कि लोगों का जीना मुश्किल होता जा रहा है। पूरा उत्तर भारत भीषण हीट वेव से जूझ रहा है, यहाँ तक कि पहाड़ों पर भी गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं। आलम यह है कि इस बार की गर्मी अब सिर्फ पसीना नहीं बहा रही बल्कि लोगों की जान भी ले रही है। पिछले कई दिनों से देश का बड़ा हिस्सा भीषण गर्मी से तप रहा है। सूर्य देवता आग उगल रहे हैं। लू की मार स्थिति को हर गुजरते दिन के साथ खराब करती जा रही है। अलग अलग राज्यों में कई लोग प्रचंड गर्मी के काल में समा गए। हर तरफ गर्मी से हाहाकार है। अभी तक बिहार में करीब 65, झारखंड में 9, राजस्थान में 5 और ओडिशा में 41 लोगों की मौत गर्मी की वजह से हो गई है। बिहार भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। यूं कहें कि प्रचंड गर्मी आपदा का रूप धारण करती जा रही है तो गलत नहीं होगा। चढ़ता पारा चुनावी तपिश को प्रभावित कर रहा है। बिहार में मतदान कर्मी भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। 2 स्कूल प्रिंसिपल और 6 मतदान कर्मी की मौत हो गई है। यूपी के सोनभद्र, ओबरा और घोरावल विधानसभा के लिए जा रही पोलिंग पार्टी के कई मतदान कर्मी हीट वेव की चपेट में आ गए। इसमें 2 मतदान कर्मियों की मौत हो गई जबकि कई अन्य कर्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। देश की राजधानी दिल्ली में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है। पारा लगातार 50 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास दर्ज किया जा रहा है। गर्मी में सब चीज व्यवस्था करके करना चाहिए, पानी हो गया और गमछी लेके सब चीज करना चाहिए। फापी रख रखी सिर पर, सिकंजी पी के गुजारा कर रहे हैं। गर्मी तो है तो वो प्रिकॉशंस थोड़े खुद से लेने पड़ेंगे, बाकी पानी और सब कुछ का व्यवस्था है। गर्मी बहुत ज्यादा है लेकिन प्रबंधन ने बहुत अच्छी यहाँ पे व्यवस्थाएं की है, जगह जगह पानी पीने की व्यवस्थाएं हैं। भयंकर गर्मी का असर पूर्व से लेकर पश्चिम तक देखने को मिल रहा है। इसकी चपेट में उड़ीसा भी है। उड़ीसा में गर्मी की वजह से 41 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। अवेयरनेस क्रिएट करें, लोगों को बोला जाए कि जो पीक आवर है जो सवेरे 10-11 बजे से 3-4 बजे तक होता है, इसी दौरान लोग बाहर ना आए। बसेस में भी ऑल फैसिलिटीज करने के लिए कॉमर्स एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को बोला गया है। वहीं झारखंड में भी स्थिति भयावह है। गर्मी और लू की वजह से यहां 9 लोगों को जान गंवानी पड़ी। उत्तर भारत में भी गर्मी और लू का कहर जारी है। राजस्थान सरकार ने हीट वेव से 5 लोगों की मौत होने की पुष्टि की है। इस भीषण गर्मी के बीच राजस्थान में कल तापमान में 1-3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई और कुछ जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश भी हुई। लार्ज स्केल फ्लो, मॉइस्ट फ्लो इंडियन सबकॉन्टिनेंट के तरफ आ रही है, उसी से आपका भारी से अति भारी वर्षा चल रही है। केरल में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल आपका नॉर्थ ईस्ट में भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। दिल्ली में अभी से थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर आने लगी है तो ह्यूमिडिटी आप महसूस कर रहे होंगे कि पसीना बढ़ रही है। मैक्सिमम टेम्परेचर होने के बाद ही हमारी उम्मीद है कि हमारा बादल आ जाएंगे, थोड़ा बहुत थंडरस्टॉर्म्स होने का भी पॉसिबिलिटी।
हालांकि देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी से जल्द राहत मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। अबेटमेंट ऑफ हीट वेव्स इट इज ड्यू टू मॉइस्चर पेनिट्रेटिंग इनटू नॉर्थ इंडिया फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल स्ट्रॉन्ग ईस्टर्लीज आर कमिंग स्पेशली इन द अर्ली मॉर्निंग आवर्स वी आर लाइकली टू सी frequent cloud to ground lightning associated with these thunderstorms especially over Bihar, Jharkhand, Odisha, Madhya Pradesh, Chhattisgarh and Vidarbha. Casualties due to lightning is highest. So precautions need to be taken for that. आने वाले दिनों में दिल्ली NCR में भी बारिश देखने को मिलेगी और हरियाणा UP और राजस्थान में भी बरसात के आसार हैं। पूर्वोत्तर के राज्यों में भी अभी से ही बारिश शुरू हो चुकी है। केरल में भी समय रहते मानसून ने अपनी दस्तक दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और न्यूज़ नाइट में आगे यहां पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे गर्मी के साइड इफेक्ट्स की, यानी पानी और बिजली की कमी की जिससे जूझ रही है राजधानी दिल्ली। लेकिन फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। भीषण गर्मी के कारण दिल्ली में बिजली और पानी की मांग कई गुना बढ़ चुकी है, जिनकी कमी से हाहाकार मचा हुआ है। दिल्ली के कई इलाकों में तो जबरदस्त जल संकट देखने को मिल रहा है। दिल्ली सरकार जहां हरियाणा सरकार पर आरोप लगा रही है, तो भाजपा इसे केजरीवाल सरकार का कुप्रबंधन करार दे रही है। दिल्ली तपती गर्मी से झुलस रही है। आए दिन पारा गर्मी से बेहाल कर देने वाला नया रिकॉर्ड दर्ज कर रहा है। मौसम की मुसीबत के बीच जल संकट ने दिल्ली वासियों का जीना और मुहाल कर दिया है। राजधानी के कई इलाके गंभीर पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। पानी के टैंकरों के पहुंचते ही लोग इस पर टूट पड़ते हैं। जान जोखिम में डालकर लोग बूंद बूंद पानी का बंदोबस्त करने के लिए मजबूर हैं। दिल्ली में संगम विहार, बलजीत नगर, करोल बाग सहित कई इलाकों में जलापूर्ति बाधित है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मदद की गुहार लगाई है। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि वो हरियाणा को ज्यादा पानी देने का निर्देश दे। बढ़ते जल संकट के बीच भाजपा ने दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन मार्च निकाला। भाजपा दिल्ली के जल संकट को अरविंद केजरीवाल के कुप्रबंधन का नतीजा बता रही है। दिल्ली अगर आज एक एक बूंद के लिए मेरी माताएं बहनें डब्बे लेकर सड़कों पर घूम रही हैं, वो दृश्य देखा नहीं जाता। उसके लिए कोई एक आदमी जिम्मेदार है तो अरविंद केजरीवाल है। जल बोर्ड को लूट के खा गए वो। हरियाणा 1049 क्यूसेक पानी, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो समझौता है उसके अनुरूप रोज दे रहा है। रोज मेरे पास डाटा है उसका, लेकिन रखरखाव नहीं है। 53% पानी बर्बादी होती है, चोरी होती है, उसका कोई हिसाब नहीं है। और बाकी पानी टैंकर माफिया के हाथ चढ़ दिया जाता है। इनके विधायक पैसे लेकर पानी बेचने का काम कर रहे हैं। दिल्ली जल बोर्ड की एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार राजधानी में दैनिक जल आपूर्ति 129 करोड़ गैलन प्रतिदिन की आवश्यकता के मुकाबले 96.9 करोड़ गैलन प्रतिदिन रह गई है। दिल्ली में पानी हरियाणा उत्तर प्रदेश से आता है। दिल्ली सरकार का दावा है कि हरियाणा से पूरा पानी नहीं मिल रहा है, जबकि भाजपा का कहना है कि हरियाणा से 1049 क्यूसिक पानी दिल्ली को मिलता है। इस समय भी इतना ही पानी मिल रहा है, लेकिन ये जल संकट टैंकर माफियाओं द्वारा खड़ा किया गया है। कागजों पर टैंकर चलाकर फर्जी भुगतान किया जाता है। यही कारण है कि लाभ में रहने वाला दिल्ली जल बोर्ड अब 80,000 करोड़ रुपए के कर्ज में है। भाजपा का कहना है कि नरवाना ब्रांच के रखरखाव के लिए 204 करोड़ रुपए का बकाया भुगतान दिल्ली सरकार ने
अब तक नहीं किया है। इतनी झुलसती हुई गर्मी में दिल्ली बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है। आम आदमी पार्टी की वो सरकार है जिसने मुफ्त पानी का प्रॉमिस करा था, लेकिन आज दिल्ली उनके राज में त्राहिमाम कर रही है। 600 करोड़ के रुपए का मुनाफे में होती थी दिल्ली जल बोर्ड 2013 में, एक दशक में आम आदमी पार्टी के राज में दिल्ली जल बोर्ड 73,000 करोड़ रुपए के घाटे में है। एक आर्टिफिशियल क्राइसिस आम आदमी पार्टी की सरकार ने यहाँ पर दिल्ली में क्रिएट करा है ताकि वो भ्रष्टाचार कर सके और टैंकर माफिया को प्रोत्साहित कर सके। आरोप प्रत्यारोप के बीच दिल्ली की जनता बेहाल है। प्रचंड गर्मी के बीच कई इलाकों में लोगों को पानी के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। पानी मिल गया तो अपनी किस्मत। पानी का ज्यादा समस्या है, गर्मी में और ज्यादा मर जाते पानी के लिए। टैंकर भी एक टाइम आता है, एक टाइम नहीं आता। बोलो तो आता है, नहीं तो नहीं आएगा। पहले 6 बजे आ जाता था टैंकर, अब ये होता है कि 9 बजे आता है, 11 बजे आता है कभी टैंकर, कभी आता है कभी नहीं आता, वो भी एक टाइम आता है। पानी एक टैंकर आती 24 घंटे में एक टैंकर। अब एक टैंकर में पब्लिक को जितनी बर्तन देगा अपने तो भरेगा ना, दूसरा टैंकर आता नहीं। यहाँ पानी के लिए लोग तरफ तरफ का मर रहा है। दिल्ली को हर साल पानी के संकट से जूझना पड़ता है। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन पानी की किल्लत को लेकर हर साल एक ही तस्वीर सामने आती है। प्यासी दिल्ली पूछ रही है कि आखिर उसकी प्यास कब बुझेगी। चंद्रशेखर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और दिल्ली में जल संकट को लेकर एलजीवी के सक्सेना ने केजरीवाल सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जल संकट के लिए हरियाणा और यूपी नहीं बल्कि केजरीवाल सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं। दिल्ली में पानी को लेकर दिल्ली सरकार का बेहद गैर जिम्मेदाराना रवैया देखने को मिल रहा है। आज दिल्ली में महिलाएं, बच्चे, बूढ़े और जवान अपनी जान जोखिम में डालकर एक बाल्टी पानी लेने के लिए टैंकरों के पीछे भागते दिखाई दे रहे हैं। देश की राजधानी में ऐसा हृदयविदारक दृश्य देखने को मिलेगा, इसकी शायद कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। रिजर्वर की क्षमता जो 250 मिलियन गैलन हुआ करती थी वो अब घटकर मात्र 16 मिलियन गैलन रह गई। 2013 तक हर साल इसकी सफाई होती थी और गाद निकाला जाता था, लेकिन पिछले 10 सालों में एक बार भी इसकी सफाई नहीं कराई गई और हर साल पानी की कमी के लिए दूसरों पर दोष मढ़ा जा रहा है। इस मामले में मैंने स्वयं मुख्यमंत्री जी को पिछले साल पत्र भी लिखा था। मुझे कहते हुए अफसोस हो रहा है कि 10 साल के दौरान अपनी इनएफिशिएंसी, इनएक्शन और इनएबिलिटी को छुपाने के लिए दिल्ली सरकार की आदत बन गई है कि अपनी हर नाकामी के लिए दूसरों को दोष दे। तो दिल्ली सरकार का कहना है कि हरियाणा ने पूरा पानी नहीं दिया है, और इन आरोपों पर हरियाणा के सिंचाई मंत्री अभय यादव ने भी अपनी बात सामने रखी है। उन्होंने कहा है कि जितना दिल्ली का अधिकार बनता है उससे ज्यादा दिल्ली को पानी हरियाणा दे रहा है। उन्होंने आंकड़े भी सामने रखे हैं कि 719 क्यूसेक की बजाय दिल्ली को 1049 क्यूसेक पानी दिया जा रहा है। उन्होंने ये भी बोला है कि चुनाव के समय इन मुद्दों का राजनीतिकरण किया जाता है, आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन दिल्ली को पानी देने के मामले में हरियाणा कोई राजनीति नहीं कर रहा। 350 क्यूसिक हरियाणा अपने शेयर में से दे रहा है। हमारी कमिटमेंट है कि दिल्ली नेशनल कैपिटल है, उसमें पानी की कमी नहीं आनी चाहिए। हम अपने इंटरेस्ट भी कुर्बान करके उनको पानी दे रहे हैं। तो ये इशू कैसे रेज हुआ मुझे नहीं पता, क्यों रेज किया, और विशेषकर अब जब सारा देश चुनाव में बिजी है तब इस तरह का इशू रेज करके क्या जताना चाहते हैं समझ नहीं आता। क्या और हरियाणा की दिल्ली सरकार द्वारा लगाए जा रहे आरोपों पर जो जवाब दिया गया है उस पर बात करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर सतबीर कादियान जो EIC हैं, सिंचाई विभाग हरियाणा के। डॉक्टर कादियान, एक बड़ी बात, क्योंकि ये बात हमेशा से कही जाती रही है कि हरियाणा से पानी आना चाहिए, वो वापस आ नहीं रहा। मंत्री जी की बात तो हमने सुनी है, लेकिन 719 और 1049 क्यूसेक के बीच तो बहुत बड़ा फर्क है। तो आपको क्या कारण लगता है, दिल्ली वाले क्यों आरोप दिल्ली की सरकार लगा रही है इस तरह से हरियाणा पर, क्योंकि मुझे पूरा इस बात का आश्वासन है कि फाइल्स में तो ये सब बातें स्पष्ट होंगी ही। ममता जी नमस्कार, पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि हम पूरी तरीके से संजीदा हैं दिल्ली में जो
वाटर क्राइसिस हुआ है वो प्योरली दिल्ली का अपना क्रिएटेड वाटर क्राइसिस है, अपना क्रिएट किया हुआ वाटर क्राइसिस है। दिल्ली कॉन्स्टेंटली स्टेट ऑफ डिनायल में है कि हरियाणा पानी नहीं दे रहा है। मैं बताना चाहूंगा कि हम खुद 42% तक शॉर्टेज हमारे पास पानी की है, बट हमने कभी भी दिल्ली को शॉर्ट नहीं होने दिया और दिल्ली में उनके हिस्से से ज्यादा पानी उपलब्ध करवाया है। दिल्ली का शेयर 719 क्यूसेक के करीब बनता है, जो लगातार हम 1000 क्यूसेक और 1050 क्यूसेक तक पानी दे रहे हैं। ये जो क्राइसिस है, माननीय एलजी साहब ने भी पॉइंट आउट किया और माननीय सिंचाई मंत्री जी ने भी स्पष्ट किया कि ये दिल्ली का अपना इंटरनल मैनेजमेंट क्राइसिस है जिसको वो देखना नहीं चाहते। और मुझे दुख है इस बात का कि ये जो स्थिति थी ये तो वेल एंटिसिपेटेड थी कि जून के महीने में, मई जून के महीने में इस बार बहुत गर्मी पड़ने वाली है। आईएमडी ने मार्च के महीने में फोरकास्ट कर दिया था। मैं हरियाणा के बारे में बताऊंगा मैम, हमारे मुख्य सचिव ने अप्रैल और मई में दो सभी विभागों को बुला के दो बड़ी मीटिंगें की जिसमें हमने प्लान किया कि किस तरीके से हम शॉर्ट होते हुए लोगों को क्राइसिस से बचाएंगे और वो हमने किया है। मुझे नहीं लगता कि दिल्ली में इस तरीके के साधनों की कोई कमी है जिससे वो इस तरीके की प्लान नहीं कर सकते थे। हरियाणा अपने हिस्से का पानी दिल्ली को दे रहा है जबकि हरियाणा में कुछ शॉर्टेज है, तो ये कहना गलत होगा कि हरियाणा कोई उनको पानी उपलब्ध नहीं कराना। ये बिल्कुल मुझे लगता है कि गैर जिम्मेदाराना बात है। एक और भ्रामक स्थिति आज पैदा कर दी गई। मैं वो कहते हैं कि हमने पॉन्ड के लेवल को दिल्ली में 1049 क्यूसेक पानी नहीं दिया और कभी वो कहते हैं कि पॉन्ड का लेवल 674.5 फीट होना चाहिए। मैं ये बताता हूँ मैम कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश पारित किया था 29 फरवरी 1996 में, उसमें स्पष्ट ये बोला गया था कि पॉन्ड का लेवल 674.5 फीट होगा। लेकिन जब सीएलसी बन गई और ट्विन पाइपलाइन डल गई तो उन्होंने ट्विन पाइपलाइन को सीधा पंप के सम्प से जोड़ा है, वो पॉन्ड में पानी नहीं जाता है। तो अब पॉन्ड में पॉन्ड के लेवल को मेंटेन करना तो इलॉजिकल बात है। तो अल्टीमेटली दिल्ली को जो पानी उनकी आवश्यकता से अधिक दे रहे हैं उसको मैनेज करना है। अगर जितना पानी उनको मिल रहा है उस पानी में वो मैनेज नहीं कर पाते तो बड़ी हैरानी की बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कादियान, आपने अपनी बात सामने रखी, लेकिन ये बात कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को ही सवालों के घेरे में खड़ा करती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और न्यूज नाइट में फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। पाव भाजी, पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला, MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। Delivery boy has picked your order. अरे भाई पता है भूख लगी है, 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है, आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं ना तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। कर्नाटक में हासन के सांसद प्रज्वल रेवन्ना को उनके खिलाफ यौन शोषण के आरोपों और बलात्कार के आरोपों के सिलसिले में 6 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। मामले की जांच कर रही SIT ने पहले ही रेवन्ना की 15 दिन की हिरासत की मांग की थी। प्रज्वल के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज म्यूनिक से बेंगलुरु पहुंचने के बाद किया गया। उन्हें शुक्रवार तड़के ही गिरफ्तार कर लिया गया और ये मामला भी दर्ज किया गया है। और न्यूज नाइट में आज बस इतना ही, लेकिन आपको छोड़े जा रहे हैं देश से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों के साथ। आप देखिए ये खबरें फटाफट अंदाज में, हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। 7 देशों इक्वाडोर, ब्रिटेन, कुवैत, न्यूजीलैंड, गिनी, फिजी और चीन के राजदूतों तथा उच्चायुक्तों ने शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने परिचय पत्र सौंपे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू ने इन राजनयिकों के परिचय पत्र स्वीकार किए।
नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एयरलाइन की देरी और यात्रियों की असुविधा पर कड़ा संज्ञान लिया है। इसके बाद नियामक डीजीसीए ने एयर इंडिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ा दी। सिसोदिया पिछले कई महीनों से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। कोर्ट 3 जुलाई को इस मामले की सुनवाई करेगा। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने स्वाति मालीवाल केस में आरोपी विभव कुमार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इससे पहले कोर्ट ने विभव कुमार को 3 दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर भेजा था। पुणे कार दुर्घटना मामले में नाबालिग आरोपी के पिता और दादा दोनों को कोर्ट द्वारा 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान की मुश्किल बढ़ गई है। पेट्रोल पंप कर्मचारी से मारपीट करने के मामले में नोएडा सेशन कोर्ट ने कुर्की का आदेश दिया है। नोएडा पुलिस अमानतुल्लाह और अनस की तलाश में जुट गई है। केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने हरियाणा में माइनिंग माफिया से जुड़े आरोप में चर्चित और इलाके में किसान नेता के तौर पर खुद को बतलाने वाले नेता वेदपाल तंवर को गिरफ्तार कर लिया। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शादी ईदगाह मामले में कई दिनों से चल रही सुनवाई के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी। मणिपुर में बाढ़ का कहर जारी है। इम्फाल शहर बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। शहर की ओर जाने वाली अधिकांश सड़कें जलमग्न हो गई हैं। मणिपुर पुलिस सेना असम राइफल्स एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को बचाव कार्य में लगाया गया है। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे MDH, बढ़िया है शुद्ध है MDH, मिर्ची धनिया हल्दी असली मसाले सच सच MDH, MDH, गैलेंट एडवांस रैबर निर्माण का रियल हीरो गोल्डी किचन किंग मसाला गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं गोल्डी मसाले और डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल अब दर्द भी कुछ नहीं टेकेगा।